वेलकम टू एग्ज़ाम भी बेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य के 5000 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं करा है तो अभी आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे अवश्य विजिट करिएगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पर आपको प्रश्न दिए जाएंगे ये पहले के पूछे गए हैं और आपके आगामी परीक्षा हेतु ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, इन्हें ढंग से सोच समझ कर लिखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। ये मत सोचिएगा कि नॉर्मल से प्रश्न है, आगे रिपीट नहीं होंगे। मैं कह रहा हूँ इनको ऐसे ही मत समझना कि ये भाई नॉर्मल प्रश्न है, हर एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको कह रहा हूँ, जैसे PGT हिंदी की परीक्षा होती है, NTA नेट की परीक्षा होती है, LTA टेट की परीक्षा होती है, IIT कमीशन की परीक्षा होती है, कोई भी परीक्षा होती है वहाँ से इन प्रश्नों को लिया जाता है और आपके समक्ष रखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से आपने इनको देखना है और हर एक प्रश्न को जो नहीं आता है उसको नोट करते रहना है। इससे आपके ही स्वयं के नोट्स तैयार होते रहेंगे, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। अंतिम समय में आपके सेल्फ नोट्स बने होंगे और आप इजीली इनको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से अवगत करवा देता हूँ, अगर आप लोग में कोई भी PGT हिंदी की कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो वो जल्द से जल्द इसमें एनरोल हो सकता है। आपको ले चलता हूँ उस पैम्पलेट की ओर, वहाँ पर आपको सारी जानकारी इससे संबंधित दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो ये है कोर्स PGT हिंदी का। अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द इसमें एनरोल होइएगा। यहाँ पर वैसे तो ये 15 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है, परंतु फिर भी अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सारी की सारी वीडियोस पहले की थी वो अवेलेबल हो जाएंगी, सारे टेस्ट थे वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इससे संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग हमारा जो HPLT टेट का न्यू बैच बैठने वाला है 25 जुलाई 2023 से, तो इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो यहाँ पर इसका व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, तो इससे संबंधित जानकारी भी आप ले सकते हो। यहाँ पर भी आपको LTE टेट की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, ढंग से अगर आप स्टडी करेंगे तो आपका LTE टेट कहीं जाने वाला नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता है, LTE टेट हमारा आता है 150 नंबर का, इसमें से जो हिंदी साहित्य रहता है तो हिंदी साहित्य रहता है 120 अंकों का, बाकी बचे 30 अंक ये होते हैं GK से संबंधित, जो 120 अंकों का आपको संपूर्ण करवाया जाता है। यहाँ पर अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आप इजीली यहाँ से 110 ले सकते हो 120 में से, क्योंकि हमारी जो पहले के LTE टेट के बैच थे तो उसमें अधिकतर बच्चों के 100 प्लस ही नंबर थे, हिंदी की ही अगर बात करूँ, बाकी जो GK में वो अपने अलग ढंग से नंबर लिए हुए थे। तो अगर आप लोग अपनी इस तरह की अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे जो बैच है LTE टेट के लिए इसमें जल्द से जल्द जुड़िए और अपनी सफलता को सुदृढ़ करिए। बाकी यहाँ पर देखिए, आपको हर रोज़ टॉपिक के हिसाब से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलता है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर होता है इसका PDF भी आपको डेली दिया जाता है और रात 9 बजे रोज़ इसका जो टेस्ट भी होता है, जो लेक्चर आपको दिया जाता है। फिर जो ये कोर्स की बात करें, ये हमारे 3 महीने तक चलेगा, पूरा हिंदी साहित्य आपको कवर करवाया जाएगा, पिछले जो प्रश्न पत्र होते हैं वो भी आपको सेंड किए जाएंगे, साथ में जो अन्य महत्वपूर्ण PDF होती हैं वो भी आपको समय समय पर दी जाएगी। ठीक है, तो जो भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो इस जो व्हाट्सएप नंबर में आप संपर्क करके इस क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा यह है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी राष्ट्रभाषाएं सम्मिलित की गई हैं। तो सही जो विकल्प यहाँ पर रहेगा तो वो रहेगा विकल्प सी। तो जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 राष्ट्रभाषाएं शामिल की गई हैं, तो सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रभाषाओं के बारे में जिक्र है, तो ये 8वीं अनुसूची में है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा हेतु। यहाँ पर ये पूछा गया है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये प्रावधान है आपके किस अनुच्छेद में है, तो ये है 343 में, विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने किसे राजभाषा माना।
तो जो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा माना गया था, इसका ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कब हिंदी को संविधान सभा के द्वारा राजभाषा माना गया था, तो 14 सितंबर 1949 को। इसके पश्चात अगला प्रश्न यहाँ पर ये दिया गया है, लौकिक संस्कृत के आदर्श रूप का गठन पहले पहल किस ग्रंथ में हुआ, तो जो चौथे का सही विकल्प हो जाएगा, पाणिनि के अष्टाध्यायी में इसके बारे में जानकारी मिलती है कि जो पाणिनि का जो अष्टाध्याय है इसमें लौकिक संस्कृत का ये ग्रंथ माना जाता है और यहाँ पर आदर्श रूप देखने के लिए मिलता है। अगला जो प्रश्न है पाँच, इसमें पूछा गया है मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखे जाने वाली भाषाएं हैं, तो जो मराठी और नेपाली है ये आपकी लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में, जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं उसी प्रकार से मराठी और नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, तो सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है छः, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, उद्देश्य और विधेय किसके अंग माने जाते हैं, तो जो उद्देश्य और विधेय होते हैं ये दोनों माने जाते हैं आपके किसके, वाक्य के अंग। सही विकल्प यहाँ पर छठे का क्या होगा, विकल्प बी वाक्य। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं सात, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो बताइएगा समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो जो समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है पारावार, सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है आठ, रुक्ष का विपरीतार्थक शब्द है, तो जो रुक्ष का ये आपका रुक्ष का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा ए। फिर अगला प्रश्न है नौ, अकाउंटेंट जनरल का अर्थ है, तो जो अकाउंटेंट जनरल का अर्थ होगा तो ये हो जाएगा आपका महालेखाकार, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न दस की ओर चलते हैं, देवासुर में कौन सा समास है, तो जो देवासुर में समास रहेगा तो ये हो जाएगा विकल्प डी द्वंद्व समास, डी यहाँ सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं हम, 19, सीधे 19 में चल जाते हैं। प्रश्न है हिंदी भाषा के विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है, तो जो हिंदी भाषा के विकास क्रम का सही अनुक्रम होगा तो ये हो जाएगा आपका विकल्प ए, सबसे पहले संस्कृत आती है, उसके पश्चात पाली आती है, फिर प्राकृत आती है, फिर अपभ्रंश और सबसे अंत में हिंदी। इस क्रम का ध्यान रखना है, अक्सर परीक्षा में ये पूछा जाता है क्रम। फिर जो अगला प्रश्न है 18, इसमें पूछा गया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी 1 मार्च 1960 को। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 17, विश्व की ऐसी भाषा का नाम बताइए जो अपना रूप परिवर्तित करती है, परिवर्तित नहीं करती है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका विकल्प डी लिथुआनियाई। लिथुआनियाई जो ये भाषा है ये अपनी अपने रूप का परिवर्तन नहीं करती, 17 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बाकी रोमन संस्कृत हिंदी ये करती हैं अपना रूप परिवर्तित। अगला प्रश्न है 16, पश्चिमी हिंदी का विकास किस भाषा से माना जाता है, तो जो पश्चिमी हिंदी का विकास माना जाता है ये माना जाता है आपके किससे, डी शौरसैनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है 15, विकासवाद के प्रस्थापक का नाम बताइए, तो जो विकासवाद के प्रस्थापक थे ये डार्विन थे, 15 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14, पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र के पहले बहुमान्य समीक्षक थे, तो कौन थे ये, प्लेटो, सही विकल्प यहाँ पर 14 का बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 13, इसमें पूछा गया है जुगुप्सा किस रस की स्थायी भाव है, तो जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो सही विकल्प यहाँ पर 13 का हो जाएगा, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, विभत्स रस का, विकल्प बी। फिर अगला प्रश्न है 12, उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था, तो जो उदंत मार्तंड है ये होता था आपके कलकत्ता से प्रकाशित,
इसे हिंदी का प्रथम समाचार पत्र होने का भी गौरव प्राप्त है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 11, छलिया छबीलो छैल छाती छबी छबे गयो, ये पंक्ति किस कवि के ग्रंथ से ली गई है? तो प्रस्तुत पंक्ति ली गई है आपके पद्माकर के पद्माभरण से, और जो पद्माभरण है ये अलंकार ग्रंथ माना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो पद्माभरण है किसका ग्रंथ है? पद्माकर का है। काव्यनी ने भिखारीदास का ग्रंथ है, प्रेम दीपिका देव का ग्रंथ है, बिहारी सत से बिहारी का ग्रंथ हो जाएगी, तो इसका भी ध्यान रखना है आपने। फिर अगले प्रश्न की ओर रुक करिए 20, पलबन का शाब्दिक अर्थ है, तो क्या होता है पलबन का शाब्दिक अर्थ? संकुचन, पत्ते तोड़ना, विस्तार करना, संकुचन, तो इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा? तो सही विकल्प जो यहाँ पर होगा 20 का, तो ये हो जाएगा विकल्प सी, पलबन का अर्थ होता है विस्तार करना। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति का पर्यायवाची है, तो बताना है अभिव्यक्ति का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो फिर देखिए प्रश्न था हमारा 21, अभिव्यक्ति का पर्यायवाची है, तो जो अभिव्यक्ति का पर्यायवाची कौन सा होगा? यहाँ पर मात्रा गलत है नहीं होगा, है होगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, जब जब वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं तो बैकग्राउंड से काफ़ी शोर आ जाता है, रुकिएगा थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर 21 का सही विकल्प हो जाएगा प्रकटन बी। अगला प्रश्न देखिए 22, कर्ण का तद्भव शब्द है, तो जो कर्ण का तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प बी, कान। अगला प्रश्न है 23, स्टेटस क्यू के लिए हिंदी पर्याय है, तो कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा 23 के लिए? तो ये हो जाएगा यथा पूर्व स्थिति, विकल्प सी। अगला प्रश्न है 24, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया है? तो ये किया है 4 भागों में, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25, खुमान रासो किस कवि की रचना है, तो जो खुमान रासो होगी ये आपकी होगी दलपति विजय की रचना, विकल्प ए यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है 26, रामानुजाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की, तो जो रामानुजाचार्य के द्वारा संप्रदाय की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी आपके श्री संप्रदाय की, विकल्प बी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय हो जाएगा व्याकरण, विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है 28, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, किस कवि की पंक्ति होगी? तो जो ये पंक्ति है ये है आपकी मल्लुकदास की पंक्ति, जो मल्लुकदास है ये संत कवि के तौर पर जाने जाते हैं। अगला है 29, मृगावती किस कवि की रचना है, तो जो मृगावती है तो ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी कुतुबन की रचना, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है 30, हिंदी साहित्य का कौन सा काल ललित कलाओं का स्वर्ण युग कहलाया? तो ये सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, रीतिकाल जो है ये हिंदी साहित्य का ललित कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाया, सी सही होगा। अगला प्रश्न है 31, गुरुदेव जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, तो सही विकल्प यहाँ पर 31 का कौन सा होगा? विकल्प बी तुलसीदास। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारी शिक्षा हेतु किस पत्रिका का संपादन किया था? तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे इन्होंने नारी शिक्षा हेतु बाला बोधनी पत्रिका का संपादन किया गया था, 43 का सही विकल्प बी हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पर साथ में टेस्ट भी दीजिएगा, जितने प्रश्न हम डिस्कस करेंगे लगभग 53 प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे, तो बताइएगा वीडियो के अंत में आपके 53 में से कितने सही होते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट अवश्य करते रहिएगा, जो प्रश्न पूछता हूं उसके उत्तर भी दीजिएगा, ठीक है? इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि आप निरंतर वीडियो देख रहे हैं और आपकी स्टडी अच्छी हो रही है। तो प्रश्न है 42, रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं दूंगा, इसका उत्तर आपने देना है, जिनको नहीं आता है तो वो भी सर्च करके अवश्य कमेंट करिएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, हर एक वीडियो में इसका उत्तर तो बताता ही हूँ आपको। फिर प्रश्न है 41, हिंदी का प्रथम उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है ये माना जाता है परीक्षा गुरु को, 41 का सही विकल्प ए हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 40, कवि कल्पतरु और श्रृंगार मंजरी किस रीतिकालीन कवि की रचनाएं हैं? तो जो ये रचनाएं हो जाएंगी यहाँ पर, तो ये हो जाएंगी आपकी ये चिंतामणि की। जो चिंतामणि थे रीतिकालीन कवि के तौर पर जाने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है 39, आधिकारिक और प्रासंगिक दो भेद हैं, किसके ये दो भेद होंगे? तो ये कथानक के दो भेद हैं, आधिकारिक और प्रासंगिक। फिर अगला प्रश्न है 38, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं आती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोहा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 37, काव्य रसात्मक काव्य काव्यम रसात्मकम काव्य, अर्थात रसात्मक वाक्य को काव्य स्वीकार करने वाले विद्वान कौन है? तो जो 37 का सही विकल्प हो जाएगा विश्वनाथ, विकल्प बी। अगला प्रश्न है 36, पद्मावत को प्रतीक योजना के प्रस्तुत प्रतीकों में से कौन सा गलत है? पद्मावत की प्रतीक योजना के प्रस्तुत प्रतीकों में से कौन सा गलत होगा यहाँ? तो जो गलत हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका जो राघव चेतन है ये गुरु नहीं है, ठीक है, ये शैतान का प्रतीक माना जाता है, और जो गुरु है ये तोते को माना जाता है। बाकी रतनसेन मन का प्रतीक है, नागमती बुद्धि का प्रतीक है, पद्मावती हृदय का प्रतीक है, और जो पद्मावत है जायसी की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 35, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र किसे माना जाता है? तो अभी आपको ऊपर बताया था उदंत मार्दन को माना जाता है, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है आधुनिक युग का श्रेष्ठ महाकाव्य किसे माना जाता है? तो जो आधुनिक युग का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है तो ये कामायनी को माना जाता है, 34 का जो सही विकल्प हो जाएगा कामायनी, विकल्प बी। जायसी का ये महाकाव्य हो जाएगा, जायसी का नहीं प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है 33, राशु शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो जो राशु शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी तो ये हुई थी आपके राजस्यु शब्द से, विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है 32, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन किसने कहा? तो जो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया था, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 44, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किसकी पंक्ति है? तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हो जाएंगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, विकल्प डी सही होगा। प्रसाद पंत महादेवी और निराला ये छायावाद के चार आधार स्तंभों में से माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 45, युग धारा प्यासी पथराई आंखें भस्माकुर किसकी रचना है? तो 45 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका विकल्प ए नागार्जुन की। अगला प्रश्न है 46, प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ की अधिवेशना ये लखनऊ में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की गई थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है 47, प्रभा खेतान की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो जो प्रभा खेतान की आत्मकथा का नाम होगा अनन्या से अनन्या से अनन्या, विकल्प सी, ये इनकी आत्मकथा है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 48, गीत फरोश किस कवि की रचना है? तो जो गीत फरोश मानी जाएगी कवि की रचना तो यहाँ पर सही विकल्प होगा, विकल्प बी, भवानी प्रसाद मिश्र। सतपुड़ा का जंगल ये भी इनकी रचना है, जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, इसी तरह की पंक्तियाँ भी इनके द्वारा कही गई हैं। अगला प्रश्न है जमीन पक रही है किस प्रकार की रचना है? तो जो जमीन पक रही है ये काव्य रचना मानी जाती है, 49 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा, बी नहीं डी होगा। किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की। जो केदारनाथ सिंह हैं ये बिंबवाद के प्रवर्तक के तौर पर भी माने जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 50, लोक के राग विराग हर्ष विषाद सुख दुख की सहज अकृत्रिम स्वाभाविक व सरस अभिव्यक्ति का नाम है, तो क्या होगा इसका नाम? तो जो 50 का सही विकल्प हो जाएगा लोक साहित्य। अगला प्रश्न है यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो यशपाल का जन्म हुआ था ये फिरोजपुर छाबनी में हुआ था, विकल्प डी सही होगा। जो यशपाल है हिंदी में मुख्यतः ये उपन्यासकार के तौर पर जाने जाते हैं, प्रगतिशील लेखकों के तौर पर भी ये जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है 52, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था?
तो जो दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उर्वशी हेतु, विकल्प भी सही होगा। कुरुक्षेत्र उर्वशी रश्मिरथी संस्कृति के चार अध्याय, ये सारी की सारी इनकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भी होगा आज का 53, तुलसीदास जायसी ग्रंथावली की किसकी रचना है? तुलसीदास जायसी ग्रंथावली ये किसकी रचना होगी? तो जो ये रचनाएं होंगी आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की होंगी। यहाँ पर ऐसा प्रश्न होना था, क्या होना था प्रश्न? तुलसीदास और जायसी ग्रंथावली किस विधा की रचना है? तो अगर विधा पूछी जाएगी तो ये आलोचना विधा की रचना है, और किसकी रचना होगी? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियाँ होगी। दोनों की दोनों याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के जो वीडियो में मैंने आपके लिए एक प्रश्न भी छोड़ा है, सभी ने उसका उत्तर देना है। बाकी यहाँ पर हमने 53 प्रश्नों को डिस्कस किया, काफ़ी महत्वपूर्ण थे, ज़्यादा समय नहीं लगाया, जो प्रश्न था सीधे सीधे उसका उत्तर देता रहा मैं। ठीक है, बाकी आपको इस तरह का पैटर्न अच्छा लगता है तो अवश्य कमेंट करिएगा। वीडियो को अंत करने से पहले आपको फिर से अपने कोर्सों के बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो देखिएगा, फिर से बता देता हूँ, HPLT टेट के लिए हमारा न्यू बैच बैठ रहा है 25 जुलाई 2023 से। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो जल्द से जल्द इसमें एनरोल होइएगा, क्योंकि जो शुरू के 10 कैंडिडेट रहते हैं उनको ₹200 का ऑफ रहता है। कोई भी जानकारी चाहिए होगी आपकी तो यहाँ पर देखिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8219312129, इस पर संपर्क करिए और सारी जानकारी जुटाइएगा। यहाँ पर आपको संपूर्ण हिंदी और हिंदी साहित्य कवर करवाया जाएगा A to Z, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, फिर PGT के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। तो ये रहा हमारा PGT हिंदी के लिए जो नया बैच है, इसमें भी अगर आप लोगों में से कोई जुड़ना चाहते हैं तो इसमें भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य कवर करवाया जाएगा, यहाँ पर भी आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर अपने वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।